हेलो स्टूडेंट, आई मुस्लिम असलम, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हो TAFL, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑटोमेटा। प्रीवियस लेक्चर आपने ऑफलाइन जिन बच्चों ने ले रखी है वो पढ़ चुके हैं, बट जिन्होंने क्लासेज अभी तक नहीं ली है उनके लिए ऑनलाइन क्लासेज है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की। तो जो आपका ऑटोमेटा सब्जेक्ट है उसका कोड है KCS 402। ये आपका AKTU का है KCS 402। आप इसकी बुक ले सकते हो, JP चौहान के नाम से आती है, CK नागपाल, KLP मिश्रा और हॉपक्रॉफ्ट के नाम से आपको ये बुक मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑटोमेटा क्या होता है? ऑटोमेटा का मतलब होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन भी कह सकते हो इसको, ऑटोमेटिक मशीन भी कह सकते हो। जो ऑटोमेशन होता है वो ऑटोमेटिक प्लस मशीन से मिलकर बना होता है, और इसको कह सकते हो सेल्फ कंट्रोल, ठीक है। तो ऑटोमेशन जो आपका है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसको पढ़ाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो आपकी फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन होती है वो आपकी टू टाइप की होती है, विद आउटपुट विदाउट आउटपुट। विद आउटपुट में आपकी मोरे मशीन एंड मिले मशीन आता है, और विद आउटपुट में आपका आता है DFA, मतलब DFA मीन्स डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। NFA मीन्स आपका होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ENFA, ई जो है ये आपका एप्सिलॉन, एप्सिलॉन NFA है, यानी कि एप्सिलॉन नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। तो आज आप देखोगे कि पहले, सबसे पहले उसकी थ्योरी देखोगे, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है उन पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ऑटोमेटा का मतलब आप समझ गए कि ऑटोमेटिक मतलब कोई भी मशीन जिसको आप इनपुट देते हो तो उसके बाद वो सारे सेट या यानी कि सारे स्टेप खुद कंप्लीट करती है, उसे ऑटोमेटा कहते हैं, यानी कि ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं। मतलब कोई भी मशीन है जिसको आप इनपुट दे रहे हो और उसके बाद वो सारे स्टेप आपको कंप्लीट करके दे रही है, उसे आप क्या कहोगे? ऑटोमेटिक मशीन कहोगे या ऑटोमेटा कहोगे। जैसे एग्जांपल, आपके सामने कंप्यूटर हो गया, ATM हो गया, एनी मशीन डेट हैज़ ऑटोमेटिक मशीन। जो भी आपके पास ऑटोमेटिक मैकेनिज्म की जो सारी चीज़ें होंगी वो आपकी क्या हैं? ऑटोमेटा हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि ऑटोमेटेड थ्योरी इज़ द स्टडी ऑफ एक्सपर्ट मशीन एंड ऑटोमेटा एज वेल एज द कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम। कंप्यूटेशनल मतलब जो आपकी गणना होती है वो प्रॉब्लम डेट कैन बी सॉल्व यूजिंग देम। इट इज़ अ थ्योरी इन थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। इसमें आपकी कंप्यूटर साइंस और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के टर्म्स आएंगे। द वर्ड्स ऑटोमेटा, द रूलर ऑफ ऑटोमेटा कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड विच मीन्स सेल्फ एक्टिंग। जो सेल्फ मैंने बताया था, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एक्टिंग, ऑटोमेटा का जो ग्रीक वर्ड है वो क्या है? सेल्फ एक्टिंग। एन ऑटोमेटा इज डिफाइंड एज अ सिस्टम वेयर इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एंड वी यूज फॉर परफॉर्मिंग सेम फंक्शन विदाउट डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ मशीन। ऑटोमेटा थ्योरी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस डेट डील्स विद डिजाइनिंग डेट ऑफ दोज कंप्यूटिंग डिवाइस डेट फॉलोज आपका जो डेट फॉलोज करता है प्री डिटर्मिनल सिक्वेंस ऑफ ऑप्शनल ऑटोमेटिकली। एंड ऑटोमेशन विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट इज कॉल्ड अ फाइनाइट ऑटोमेशन। फाइनाइट ऑटोमेशन भी बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो? फाइनाइट स्टेट मशीन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की डेफिनेशन थी। अब हम देख लेते हैं जो आपकी कॉमन डेफिनेशन है। जो कॉमन डेफिनेशन, ये तो आप लिखोगी ही ऑटोमेटा के बारे में बताओगी, लेकिन जो इसकी कॉमन डेफिनेशन है, जो आपकी DFA में भी इसका यूज़ होता है, NFA में भी इसका यूज़ होता है, तो DFA में भी इसका इस कॉमन डेफिनेशन का आप यूज़ होता है। तो कॉमन डेफिनेशन ऑफ ऑटोमेटा, एंड ऑटोमेटा कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई फाइव टाइप। दे आर फाइव टाइप भी बोल सकते हो, फाइव टपल्स भी बोल सकते हो, क्योंकि टपल्स इन्हीं वर्ड्स को बोला जाएगा जो आपके ये ब्रैकेट में दे रखे हैं, क्यू, सिग्मा, डेल्टा, क्यू नॉट, एफ। तो जो आपका क्यू है, जो मैंने इसको लिख भी रखा है, ये फाइव टपल्स होते हैं आपके, वेयर क्यू इज इक्वल टू फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट आप जानते हो, जो चीज़ दे रखी है फाइनाइट है। जैसे मैंने फाइनाइट में आपको लिख के भी दिखाया है, क्यू नॉट इज इक्वल टू क्यू वन, क्यू टू, ये आपके क्या हो गए? फाइनाइट सेट। सिग्मा क्या हो गए? फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स और इनपुट अल्फ़ाबेट्स। तो ये अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपके पास होंगे A, B के रूप में भी हो सकते हैं, 0, 1 के रूप में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो आपके क्या होंगे? वेट लगे होंगे। वेट होते हैं जो किसी मशीन से दूसरी मशीन पर, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ एग्जाम्पल के साथ कि आपके पास Q0 है, एक मशीन है, दूसरा है आपके पास Q2, ये आपको दे रखा है Q1,
ठीक है, तो इसका वेट जो है या तो ज़ीरो दे रखा हो या फिर ए भी दे रखा हो। जो क्यू वन से जब आप क्यू टू पे जाओगे तो उसका वेट आपको क्या दे रखा हो, बी दे रखा हो या फिर वन दे रखा हो। तो ये ज़ीरो वन जो हैं वो आपके क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट भी कहला सकते हैं, इनपुट्स अल्फ़ाबेट भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, सिग्मा कहलाता है। सिग्मा को इसमें ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा क्या होता है कि मैपिंग फंक्शन और ट्रांजिशन फंक्शन। डेल्टा को आप बोलते हो मैपिंग फंक्शन और ट्रांजिशन फंक्शन। तो जो आपका ट्रांजिशन फंक्शन होता है वो आपकी जो स्टेट इनटू सिग्मा, यानी कि एक स्टेट से, जैसे मैंने भी बताया आपको कि आपके पास एक स्टेट है क्यू नॉट और क्यू वन, तो इस पे आपका दे रखा है ज़ीरो। तो आपको जैसे स्टेट ट्रांजिशन जब आप बताओगे तो कैसे बताओगे, क्यू नॉट से आपका जो ज़ीरो है उस वो कौन सी स्टेट पे जा रहा है, क्यू वन पर। ठीक है, ऐसे अगर यहाँ पे होती क्यू टू तो ये जो एरो है आपका यहाँ से आपको मिल रहा है वन, तो आप क्या देते हैं यहाँ पे Q1 आपका वन इनपुट क्या मिल रहा है आपको, Q2 स्टेट मिल रही है। ठीक है, तो ये आपका कहलाता है ट्रांजिशन फंक्शन या ट्रांजिशन मैपिंग कहलाती है। जैसे कि जिस स्टेट से जो आपको वेट मिल रहा है तो स्टेट इनटू आपका जो इनपुट सिग्नल जो है, आपके इनपुट अल्फ़ाबेट्स कह सकते हो या फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट्स कह सकते हो, तो आपका स्टेट इनटू इनपुट अल्फ़ाबेट्स, तो ये चीज़ें आपको मिल रही है जो दूसरी स्टेट पे आप जा रहे हो, वो आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन फंक्शन। अब हम बात कर लेते हैं क्यू नॉट की। तो हम देख लेते हैं क्यू नॉट, जो क्यू नॉट है इनिशियल स्टेट, क्योंकि जब आपके पास कोई स्टेट आ रही है क्यू इज इक्वल टू आपके पास फाइनाइट स्टेट है क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू और आपके पास है क्यू थ्री, तो जो इसमें क्यू ज़ीरो है वो आपकी इनिशियल स्टेट है, यानी कि स्टार्टिंग स्टेट। इनिशियल स्टेट को हमेशा जब भी बनाएंगे क्यू नॉट से और इसको स्टार्टिंग में एरो से ऐसे दिखाएंगे, ये आपका कहलाता है इनिशियल स्टेट। ठीक है, और आपका फिर एफ है, एफ क्या है, एफ जो है वो फाइनल सेट है। ठीक है, फाइनल सेट कह सकते हो या फाइनल स्टेट कह सकते हो। फाइनल स्टेट का जो मैंने लिख रखे दिखा रखे है, जो फाइनल स्टेट है, जैसे मान लिया आपका क्यू इज इक्वल टू क्यू के अंदर आपके हैं क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, तो आपके पास ये फाइनाइट जो आपके पास दे रखी है फाइनाइट सेट क्या दे रखा है, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट, क्यू वन, क्यू टू, तो क्यू टू जो क्यू नॉट है वो आपका इनिशियल स्टेट है, क्यू टू जो है आपका वो है आपकी फाइनल स्टेट। तो फाइनल स्टेट को हमेशा आप कैसे दिखाते हो, डबल सर्कल से। ठीक है, आप इसको हमेशा डबल सर्कल से दिखाओगे, और इसको हमने इसलिए लिखा है, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं। एफ इक्वल टू फाइनल सेट भी कह सकते हो, फाइनल स्टेट भी कह सकते हो। तो एफ इक्वल टू मैंने लिखा है कि एफ सब सेट ऑफ क्यू, तो जाहिर सी बात है कि जो f है वो आपका क्यू टू है, क्यू टू किसके अंदर आ रहा है, क्यू के अंदर ही आ रहा है, तो वो f सबसेट होगा ऑफ q का। ठीक है, तो ये आपका कॉमन डेफिनेशन है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज़ की। तो रिलेटिव टर्मिनोलॉजीज़ आपने देख रहे हो, ये रिलेटिव टर्मिनोलॉजी ऑफ ऑटोमेटा, देयर आर फॉलोइंग टर्म्स विच यूज़ इन ऑटोमेटा। पहला आपके सिंबल्स, तो सिंबल्स सबको पता है, सिंबल्स आपके लेटर्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं, डिजिट्स के फॉर्म में भी हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं। जो सिंबल्स आपको जैसे मैंने दिखाया, सिग्मा का सिंबल दिखाया, डेल्टा का सिंबल दिखाया, तो सिंबल के रूप में भी आपके सिंबल हो सकते हैं। तो सिंबल इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ डिफाइंड एंटिटी, लेटर्स, डिजिट्स और सिंबल्स। अल्फ़ाबेट क्या हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट आपके सबको पता है अल्फ़ाबेट के रूप में होंगे, जैसे एन अल्फ़ाबेट इज़ एनी फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल विच इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। तो जो सिग्मा मैंने बताया वो आपके अल्फ़ाबेट के रूप में होंगे, जैसे ए कॉमा बी हो सकता है और 0,1 हो सकता है, जो आपके वेट होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, अल्फ़ाबेट। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं थर्ड स्ट्रिंग की। स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सिक्वेंस ऑफ सिंबल डेट इज़ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज इक्वल टू वर्ड लेंथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट। तो वर्ड लेंथ आपको पता ही कि वर्ड की जो लेंथ होती है वो आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। जैसे मैंने एग्जांपल में दिखाया भी है आपको, नीचे आप यहाँ देख रहे हो ये एग्जांपल, ये आपकी स्ट्रिंग है। जैसे ये स्ट्रिंग होती है वर्ड लेंथ वी सी ए डी, तो ये कितनी है, ये आपकी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि ए बी मैंने लिखा है सी ए बी सी ए डी, मैंने कुछ भी ले लिया है तो ये आपके पास 6 की है, इसको डिनोट किससे करेंगे, एस से करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी ये कहलाती है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ऑफ लेंथ होता तब आप इसको गिनते कि तब आप इसको मॉड में लिखते मॉड इज इक्वल टू 6, बट आपकी जो स्ट्रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, स्ट्रिंग इज़ अ फाइनाइट सिक्वेंस ऑफ सिंबल होते हैं। ठीक है, ये आपकी वर्ड लेंथ भी इसको बोल सकते हो, नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रिंग कहलाती है। एम्प्टी स्ट्रिंग क्या होती है,
एम्प्टी स्ट्रिंग जो होती है, इट इज़ अ स्ट्रिंग डेट कंसिस्ट ऑफ अ जीरो सिंबल डिनोटेड बाय, इसको एप्सिलॉन से भी डिनोट कर सकते हैं, ऑल्सो कॉल नल स्ट्रिंग से भी कर सकते हो. नल स्ट्रिंग इज इक्वल टू एप्सिलॉन और इज इक्वल टू जीरो. स्ट्रिंग आर डिनोटेड बाय, इसको मैंने स्मॉल लेटर से दिखा दिया, आप कैसे भी दिखा सकते हो, स्ट्रिंग तो उसके अंदर कुछ है ही नहीं. ठीक है, टपल्स, टपल्स मैंने आपको भी बताई थी कि फाइव टपल जैसे क्यू सिग्मा डेल्टा क्यू नॉट फाइव, ये आपके टपल्स कहलाएंगे. सेट ऑफ अल्फाबेट आर कॉल्ड द टपल्स. ठीक है, उसके बाद आप देखिए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को जैसे मैंने भी बताया था कि कोई भी आपको वर्ड लेंथ दे रखी होगी, तो वर्ड लेंथ में कितने नंबर की वर्ड लेंथ है, जैसे यहाँ पे मैंने ए बी सी डी सी ए दे रखा है, तो ये आपके सिक्स हैं, जो स्ट्रिंग है आपकी वो सिक्स है, तो उसको कैसे दिखाओगे मॉड में. तो ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो, जिसको आप कॉन्ट्रडिक्शन बोलते थे, बट यहाँ पर आपका एस है, तो एस इज इक्वल टू सिक्स आ जाएगा. तो ये आपका जो यहाँ पे आपकी करेक्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है, सिक्स. लैंग्वेज, लैंग्वेज अभी हम आगे पढ़ेंगे, इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो लैंग्वेज वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी. लैंग्वेज आपको आप सिग्मा से, मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, सिग्मा से भी डिनोट करते हैं, और सिग्मा के ऊपर आपका जो एफस्टिक लगा है उससे भी डिनोट कर सकते हैं लैंग्वेज को. लैंग्वेज को एल भी दिखा सकते हैं. और तो लैंग्वेज आपकी जैसे दे रखा है सिग्मा इक्वल टू ए कॉमा बी, तो कितनी दो दो हैं, तो इसकी लेंथ क्या बन सकती है. अगर हमने लिखा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू ओवर, तो टू ओवर की लिखनी है, तो ए ए का साथ स्ट्रिंग भी बन सकती है, ए की बी के साथ भी स्ट्रिंग बन सकती है, बी बी की स्ट्रिंग बन सकती है, बी ए की स्ट्रिंग बन सकती है. तो जो इस लैंग्वेज से है वो आपकी कितनी बन सकती है, ऐसे बन सकती है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ टू. अगर इस होता है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री, तो थ्री होते तो आपके पास थ्री एलिमेंट्स होते ए बी सी, तो आप ए बी सी ले सकते थे, ए सी बी ले सकते थे, ऐसे आप थ्री ऑफ स्ट्रिंग में जो आपकी स्ट्रिंग है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ थ्री में दिखा सकते थे, वो आपकी क्या कहलाती, लैंग्वेज कहलाती. इस पर हम आगे और भी क्वेश्चन कराएंगे, आज के लिए इतना ही. ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट.